भारत की सरजमीन त्योहारों और उत्सवों की धरती है। यहाँ हर त्योहार एक संदेश लेकर आता है। ठीक वैसे ही आज दशा माता पूजने का दिन है। होली के 10 दिन बाद दशा माता का पूजन होता है। सनातन धर्म की संस्कृति के अनुसार ये पूजा बेहद महत्व रखती है और पीपल के पेड़ पर यह पूजा की जाती है। यह पूजा महिलाएं परिवार की खुशहाली और उन्नति के लिए करती है। नीमच में भी आज दशा माता की धूमें, महिलाओं ने व्रत रखा और दशा माता पूजी। आइए सुनते हैं और जानते हैं कितना बड़ा महत्व है दशा माता पूजने का। की पूजा करते हैं, इसमें हम पीपल की पूजा करते हैं और ब्राह्मण द्वारा धागे लिए जाते हैं उनको पहनते हैं और जो भी सभी महिलाएं समाज की पूजा करती हैं और ये अपनी घर की सुख समृद्धि के लिए पूजा की जाती है। पीपल की पूजा करते हैं इस दिन और वो पीपल में से ही धागा निकालते हैं, इसलिए हमारी घर की सुख समृद्धि के लिए की जाती है। हमारी जो सनातन धर्म की संस्कृति है, ये पूजा हमारे यहाँ हजारों वर्ष पूर्व से होती आई है और ये हमारे यहाँ सुख समृद्धि और सौभाग्य के लिए होली के 10 दिन बाद दशा माता की पूजा की जाती है। सातम के 2 दिन बाद हम दशा माता को पूजते हैं। इसमें हम पीपल के वृक्ष की पूजा करते हैं, जिससे कि पीपल हमारे यहाँ पूजनीय भी है और औषधीय गुणों का भंडार भी है और हमेशा सर्वदा पूजनीय है। और इसमें से हम जो दशा माता की हम डोरी पहनते हैं वो हम इसमें से 10 बार निकालते हैं बंधे हुए धागों में से, जिससे कि सौभाग्य बढ़ता है, घर में सुख समृद्धि बढ़ती है। और हम इस दिन व्रत भी रखते हैं। दशा माता का व्रत इसलिए किया जाता है ताकि हमारे घर में पैसों की कमी ना हो, सुख समृद्धि बढ़े, हम सुखी रहें, हमारे घर में शांति रहे और अन्न धन की वृद्धि हो, इसलिए हमारे यहाँ दशा माता की पूजा की जाती है। ये हम आटे के गहने जो होते हैं, हमारे यहाँ आटे के गहने बनाए जाते हैं। माता जी को चूड़ी, माथे का टीका, कान के, गले का हार, सभी तरह के आभूषण हम आटे के बना के माता जी को चढ़ाते हैं, आटे का दिया लगाते हैं और मिठाई है, नारियल है, जो भी हमारा पूजन का सामग्री होती है, कंकुल, अच्छय, चावल, हल्दी, मेहंदी, कुमकुम से हम पूजते हैं और माता जी को चुनरी चढ़ाई जाती है। और हम यहाँ पर एक छोटा सा, आप देख से जैसे यहाँ एक विजुअल लेंगे, यहाँ हमने पतवारी पूजना कहते हैं इसे, ये खेत हम छोटा सा बनाकर यहाँ पर हम पूजन करते हैं। जैसे इस खेत में हम अन्न बोते हैं, गेहूं के दाने डालते हैं, जैसे ही वो अन्न बढ़ता है, ज्वारे बढ़ते हैं, हमारे घर में सुख समृद्धि उसी प्रकार बढ़ती रहे, इस कामना के साथ हम दशा माता का पूजन करते हैं, पतवारी का पूजन करते हैं। ये होली जलती है, उसके बाद चैत्र माह की दशमी को दशा माता का व्रत किया जाता है। ये अपने घर के सुख समृद्धि के लिए किया जाता है। ब्राह्मण से डोरे लेके डोरा बांधते हैं, महिलाएं सभी व्रत रखती है, अपने घर में सुख समृद्धि के लिए की जाती है, महिलाएं सभी करती है, व्रत रखती है, कथा सुनती है। वॉइस ऑफ एमपी के लिए मुश्ताक अली शाह की रिपोर्ट।